हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द प्लेलिस्ट। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो सेट से आपकी थोड़ा बहुत सेटिंग तो हो ही रही होगी, तो इस सेटिंग को और स्ट्रांग बनाने के लिए इस वीडियो में समझते हैं इंटरवल नोटेशन ऑफ अ सेट क्या होता है। सो इंटरवल नोटेशन ऑफ अ सेट को डायरेक्टली समझने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को सीख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका रियल नंबर लाइन। सो बेसिकली लाइन के बारे में आपने जूनियर क्लासेस में कई बार सुना होगा। सो लाइन क्या होती है? जब कभी भी आपको एक लाइन प्लॉट करते हैं तो जो लाइन होती है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ अ पॉइंट्स होते हैं, मतलब अ लाइन ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ अ पॉइंट्स। तो ये रियल नंबर लाइन क्या होती है? जब कभी भी आपकी कोई भी लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स कभी भी रियल नंबर को अगर रिप्रेजेंट करें तो वो लाइन क्या हो जाएगी? आपकी रियल नंबर लाइन हो जाएगी। कहां से कहां तक? माइनस इनफिनिटी से लेके इनफिनिटी तक। ओके, एक और चीज, अगर मैं आपकी लाइन पे कोई भी दो पॉइंट उठा लेता हूं तो उन दो पॉइंट्स के बीच में मुझे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलने वाले हैं। यानी कि अगर मैं रियल नंबर लाइन पे कोई भी दो रियल नंबर को उठाता हूं तो उन दो रियल नंबर के बीच में भी मुझे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर मिलने वाले हैं। इसे समझते हैं हम इसके फिगर से। उससे पहले आप एक चीज नोट कर लीजिए कि द लाइन इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, जो मैंने आपको पहले समझाया। दूसरा पॉइंट, इन अ रियल नंबर लाइन ईच एंड एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट अ रियल नंबर। जितने भी आपके रियल नंबर लाइन में पॉइंट्स होते हैं वो सारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब समझते हैं कैसे होता है फिगर से। ओके, सो बेसिकली अगर मैंने पहले एक लाइन प्लॉट की, उस लाइन में मैंने क्या किया, पॉइंट्स को रियल नंबर से रिप्रेजेंट किया। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ पॉजिटिव नंबर्स हैं, कुछ नेगेटिव नंबर है, और जीरो क्या होता है आपका, नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव नंबर होता है। ओके, अब मैंने क्या कहा, मैंने एक चीज बोली थी आपको कि ये क्या है, आपकी रियल नंबर लाइन है। ये क्या है, आपकी रियल नंबर लाइन है। तो रियल नंबर लाइन में अगर मैं कोई भी दो पॉइंट उठा लेता हूँ, लेट अस सपोज दैट मैंने दो और तीन को उठाया, तो इन दो और तीन के बीच में भी मेरे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। मैं दिखाता हूँ कैसे। तो मैंने क्या किया, मैंने दो और तीन के बीच में मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया, और मैग्नीफाइंग से मेरे को पता लगा कि दो और तीन के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 2.1, 2.2 अप टू 2.9, ये सारे नंबर आ रहे हैं। अब मैंने कहा कि यार इसमें 2.6 और 2.7 भी तो एक पॉइंट ही है, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में मैंने फिर से मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया, तो मैंने फिर से क्या देखा कि 2.6 और 2.7 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं, 2.61, 2.62 अप टू 2.69। यानी कि अगर मैं कोई भी दो पॉइंट उठा रहा हूं तो उनके बीच में क्या हो रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ रहे हैं या फिर रियल नंबर आ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि आपको दो और तीन के बीच में लाई करने वाले रियल नंबर का सेट बनाना है, तो आप बोलोगे यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दो और तीन के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को तो मैं सेट में लिख ही नहीं सकता। तो इसी समस्या का समाधान के लिए इंटरवल नोटेशन ऑफ सेट को पढ़ाया जाता है। तो इंटरवल नोटेशन ऑफ अ सेट क्या कहता है कि अगर कभी भी आपके पास ए और बी कोई भी दो रेंडम रियल नंबर है और आपको उनके बीच के रियल नंबर्स को सेट में रिप्रेजेंट करना है, तो उसके क्या तरीके होते हैं? तो इसमें चार केसेस बन जाते हैं। सबसे पहला केस क्या बनता है कि ए और बी के बीच में आपको सारे एलिमेंट को इंक्लूड करना है, लेकिन ए को इंक्लूड नहीं करना और बी को भी इंक्लूड नहीं करना है। दूसरा केस क्या बनता है, ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना है आपको या शो करना है, लेकिन और ए और बी को भी आपको रिप्रेजेंट करना है। तीसरा केस क्या बनता है, आपको ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट्स को आपको रियल नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है, जिसमें ए को तो करना है पर बी को नहीं करना। और चौथा क्या बन जाता है आपका, सिंपली इसमें आपको ए को नहीं करना है और बी को रिप्रेजेंट करना है। तो पहले में देखते हैं हम कैसे इसको हम सेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने क्या कहा था आपको कि आपके पास अगर कोई भी एक लाइन है, उसमें मैंने दो पॉइंट उठा लिए, एक पॉइंट ए उठा लिया रेंडमली और एक पॉइंट मैंने बी उठा लिया। अब मैं चाहता हूं कि इसके बीच के मेरे जितने भी रियल नंबर आते हैं उन्हें मैं सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए और बी पे मेरे को ओपन ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इस तरीके से। तो ओपन ब्रैकेट अगर मेरे कहीं पे भी लगे हो, उसका मतलब क्या होता है कि ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर इंक्लूड है, बस ए और बी मेरा इंक्लूड नहीं होगा। यानी ए और बी मेरा क्या होगा, सिंपली एक्सक्लूड होगा। ए और बी मेरा क्या होगा, एक्सक्लूड, एक वर्ड यूज होता है, एक्सक्लूड होगा। ठीक है, अब कुछ क्लासेस में कुछ बुक्स में आपको मैं बता देता हूं, नोटेशन जो होता है वो इस प्रकार से भी होता है। क्या होता है, इस प्रकार से भी इसका नोटेशन होता है। यानी कि ये जो ब्रैकेट है आपका क्लोज वाला ब्रैकेट, इसका रिवर्स में, इस डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, इसका सिंबल एक यूज होता है कई बुक्स में। अब दूसरा समझते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होगा, आपका ए से लेके
ए के बी के बीच में सारे रियल नंबर तो आएंगे और ए और बी भी आएगा, तो वहां पे क्या होगा आपका ए और बी दोनों में क्या हो जाएंगे आपके क्लोज ब्रैकेट लगेंगे, यहाँ पे क्या लगेंगे आपके क्लोज ब्रैकेट लगेंगे। अब तीसरा कौन सा था जिसमें आपको ए से बी के बीच में सारे रियल नंबर को तो इंक्लूड करना है प्लस ए को भी इंक्लूड करना है, तो मैंने क्या कहा आपको क्या याद रखना है हमेशा कि जब कभी भी आप ए किसी को भी इंक्लूड करोगे तो वहां पे आपका सिंपली क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। मतलब अगर आपको कहीं पे डायरेक्टली ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है कि ए कॉमा बी, तो उसका मतलब क्या होता है ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर है और इन दोनों ए और बी में कौन सा नंबर है जिसमें क्लोज ब्रैकेट लगा है, जैसे यहाँ पे ए पे क्लोज ब्रैकेट लगा है तो ए भी इंक्लूड होना चाहिए उस सेट के अंदर। ओके अभी मैं आपको एग्जांपल से और समझाऊंगा। अब चौथा क्या है ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर इंक्लूड करना है और उसमें बी को भी इंक्लूड कर देना है, तो सिंपल बात है अगर मेरे को बी को इंक्लूड करना है तो बी में सिंपली मैं क्या कर दूंगा क्लोज ब्रैकेट लगा दूंगा और ए में मैं क्या लगा दूंगा ओपन ब्रैकेट लगा दूंगा, क्योंकि मेरे को ए को एक्सक्लूड करना है और बी को इंक्लूड करना है। तो सिंपल ट्रिक क्या याद रखनी है आपको, जिसे इंक्लूड करना है उस पर क्लोज ब्रैकेट लगाओ, जिसे एक्सक्लूड करना है उस पर ओपन ब्रैकेट लगाओ। एक और चीज आपको रियल नंबर लाइन में कैसे याद रखनी है, जैसे आपके पास कोई भी एक लाइन है, अब मैं चाह रहा हूँ ए और बी में मैं उसके बीच के तो सबको मैं क्या करूँ रिप्रेजेंट करूँ, तो उसे तो मैंने कलरफुल पेन से ड्रॉ कर दिया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ए और बी को ना इंक्लूड करूँ तो सिंपली यहाँ पे एक सर्कल बना देते हैं, इसका मतलब क्या होता है ए एंड बी यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक डार्क सर्कल आपको दिख रहा होगा, डार्क सर्कल क्यों दिख रहा है आपको, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है आपका ए भी इंक्लूड हो रहा है और बी भी इंक्लूड हो रहा है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे ए इंक्लूड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका एक्स क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल भी है ए के इक्वल भी है, यानी ए भी इंक्लूड हो रहा है, तो जहां पे ए इंक्लूड होगा या फिर कोई भी नंबर इंक्लूड होगा वहां पे डार्क सर्कल आएगा, यहाँ पे क्योंकि बी इंक्लूड नहीं हो रहा था इसलिए यहाँ पे क्या आएगा आपका सिंपल एक सर्कल आएगा, यहाँ पे भी एक सिंपल सर्कल आएगा लेकिन यहाँ पे डार्क सर्कल आएगा। क्यों, क्योंकि सिंपल सर्कल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ए इंक्लूड नहीं हुआ और यहाँ पे बी इंक्लूड हुआ इसलिए यहाँ पे डार्क सर्कल आएगा। आई होप आपको इंटरवल नोटेशन अब क्लियर हो गया होगा। एक मैं छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करता हूँ, वो एग्जांपल ये है कि आपको बताना है कि मैं आपके सामने चार पॉइंट्स लिखूंगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही है। तो पहला आपका मैं लिख रहा हूं आपको -5 से लेके आपका क्या हो जाएगा ये इन्फिनिटी तक। ओके पहला तो ये हो जाएगा आपके सामने, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका -∞ से लेके आपका 5 तक, ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका -∞ से लेके इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट है ये आपका क्लोज ब्रैकेट है, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका -∞ से लेके 5 तक। ओके ये हो जाएगा आपके पास, तो आपको बताना है इन चारों में कौन सा सही है। तो इससे आपके एक पॉइंट पहले क्लियर हो रहा है आपका, सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि जब कभी भी आपको इन्फिनिटी को इंक्लूड करना है किसी भी सेट में तो हमेशा याद रखना उसमें हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है। क्या बोला मैंने, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें क्या आता है आपका ओपन ब्रैकेट आता है। ओपन ब्रैकेट क्यों आता है, क्योंकि इन्फिनिटी है वो आपको कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, आपको पता नहीं है ये वहां कहाँ पे स्टॉप होने वाला है, तो वो एक तरफ से ओपन है, वो कहीं पे स्टॉप नहीं है, स्टॉप जहाँ पे हो जाएगा वहां पे क्या रखेंगे आपको ये ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं, तो इन्फिनिटी है वो क्योंकि आपको पता नहीं है कहाँ पे स्टॉप होने वाला है वो, तो वो क्या होता है ओपन ब्रैकेट से हमेशा इंक्लूड करते हैं, यानी ये वाला ऑप्शन तो एकदम देखते ही गलत है क्योंकि यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को क्या किया गया है क्लोज ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया गया, तो ये गलत है, और ये वाला भी गलत है। क्यों, यहाँ पे क्या बोला है माइनस इन्फिनिटी क्या है क्लोज के अंदर है, यहाँ तक आपको समझ आया। अब तीसरा पॉइंट क्या है आपका, ये एकदम सही है क्योंकि -5 इसमें इंक्लूड किया गया है, और ये वाला भी एकदम बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें क्या किया गया है ओपन ब्रैकेट किया गया है माइनस इन्फिनिटी के लिए और 5 के लिए, यानी इसका मतलब क्या है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके 5 तक के बीच के सारे रियल नंबर को इंक्लूड कर दो। अब एक और चीज हमेशा याद रखना आपको, जब कभी भी आप इस सेट से इस सेट में जाओ तो इस सेट से जब आप इस सेट्स में जाओगे तो आपको क्या याद रखना है, हमेशा ये इंक्रीजिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए इंक्रीजिंग होना चाहिए। अगर आपके सामने कोई सेट ऐसा लिखा होगा जिसमें क्या बोला होगा -5 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, क्या बोला होगा अगर कुछ ऐसा लिखा होगा -5 से लेके इन्फिनिटी तक, तो इस तरफ जब मैं जा रहा हूँ आपको देख के पता लग रहा होगा ये क्या होगा डिक्रीजिंग होगा, तो ये इंटरवल नोटेशन नहीं होता, ये इंटरवल नोटेशन नहीं होगा, ये गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि -5 से इन्फिनिटी हमेशा जब कभी भी राइट में जाते हैं तो राइट में जाने पे हमें वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए ना कि डिक्रीज होनी चाहिए। अब -5 से माइनस इन्फिनिटी चले गया यानी वो डिक्रीज हो गया, लेकिन -5 से अगर इन्फिनिटी जाएगा यानी कि माइनस से वो पॉजिटिव में चले गया तो वो वैलिड होगा, यानी कि ये वैलिड होगा और ये वैलिड नहीं होगा। तो आपको दो पॉइंट फिलहाल यहाँ पे याद रखने हैं कि हमेशा जब कभी भी इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को एंड करो तो ओपन ब्रैकेट से करो, और दूसरा
वाला जब कभी भी इंटरवल नोटेशन में किसी भी चीज को लिखो तो वो हमेशा इंक्रीजिंग होना चाहिए, इस वाले वैल्यू से इस वाली वैल्यू पे जब आप जाओ तो वो इंक्रीजिंग होनी चाहिए ना कि डिक्रीजिंग। आई होप आपको इंटरवल नोटेशन ऑफ अ सेट समझ आया होगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो पर लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली सेट से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू।